ये जी हम बैठने लगे हैं गाड़ी में, बहावल नगर का सफर जो है वो रवाना होने लगा है। अभी हम चिमंडे से निकलने लगे हैं, तकरीबन 5:30 हो गए हैं। ये चिमंडे में भी मुकम्मल तौर पे बाजार बंद है सारा, कोई भी नहीं खुला। बनाते हैं मैं बनाते हैं सही है चिवंडा पसरूर रोड है हमारा। चिवंडे से हम निकल चुके हैं और अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और ये रोड हमारा इस्लामाबाद के रोड से कम नहीं है, ग्रीनरी आप देख सकते हैं, फुल टाइम है दाएं बाएं। ये मुसलसल कोई 8-9 किलोमीटर का एक रास्ता है जो ग्रीनरी से भरा हुआ है, दाएं बाएं सड़क ही। आप दिन में भी आएंगे तो आपको धूप का सामना नहीं होगा। ये देखें, ये जी हम डस्का से मोटर पर चढ़ने लगे हैं और लाहौर जा उतरेंगे। और रास्ते में ये हमें फौज अपनी पाक फौज का जो है कानवे मिल गया, 2-3 आगे गुजर गए हैं और एक वो पीछे खड़ा है, टैंक लोड किए हुए हैं कहीं अपनी रूटीन मशक के आए हैं ट्रेनिंग से। ये हम मोटर में दाखिल हो गए हैं इंटरचेंज, और ये जो है लाहौर जाके हम उतरेंगे और लाहौर से इंशाल्लाह मुल्तान रोड पर वहाँ से सीधा बाबा नगर की तरफ। जी काला शाखा को टोल प्लाजा हम क्रॉस करने लगे हैं। यहाँ से अब हम ठोकर से मुल्तान रोड पे चढ़ेंगे और मुल्तान रोड जो है वो सीधा ही है बिल्कुल। ये मोटरवे से अब हम उतर गए हैं और ये दाईं तरफ मुल्तान रोड पे अब हम चढ़ गए हैं। ये जो है ना यहाँ से सीधा मुल्तान को जाएगा, थोड़ा सा ज़िगज़ैग है, यहाँ से जब सीधा हो जाएगा फिर उसके बाद कोई इसमें टर्न नहीं आना। ये जो है फिर अब लाहौर से निकलेंगे तो आग पतन आएगा रास्ते में। ये जीटी रोड आ गया, आग पतन के बाद काड़ा, फिर साहिवाल, साहिवाल से हमने आरा वाले की तरफ हो जाना है बाई तरफ, आरा वाले से फिर आगे बाबा मुल्तान रोड है। ये जी टी रोड है, ये जो उधर पीछे से आ रहा है ना ये जी टी रोड है, ये जी टी रोड है। यहाँ पर रास्ते में कोई टर्न नहीं है साहिवाल तक। ये जी हम लाहौर से निकले हैं बाहर तो ये शाहपुर कांजरा का रास्ता आपको दिखाते हैं। ये रास्ता है ना ये वाला, ये सीधा शाहपुर कांजरा जाता है मंडी में, वो देखें शाहपुर कांजरा भी लिखा हुआ है। ये देखें शाहपुर कांजरा इसके बाद साई वाला है। ये जी दो जो आपको चिमनियाँ नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी, ये बिजली के पावर प्लांट हैं, बिजली पैदा होती है तकरीबन 1000 मेगावाट ये दो है। और ये आँखों हमारी आँखों के सामने ही बने ये फैसलाबाद वाला रोड है, ये जी टी रोड है और यहाँ से हम टर्न होने लगे हैं आर वाले की तरफ। ये और ये साई वाला इस तरफ से हम ऐसे तो मोटर पे तो आए, ये हम आरा वाले की तरफ टर्न होने लगे हैं और ये ही रोड सीधा बावल नगर जाता है, लेकिन उस सेंटर में दरिया भी आता है सतलुज, सतलुज दरिया आता है हेड के रहा अंदर बड़ा हेड तो उधर जाने ना ये बारी। ये देखिए आरा वाला रोड है और इनकी सड़कें और ये ग्रेनरी चेक करें माशाल्लाह। और ये कोई संते नहीं है इस इलाके में, जरा इलाका है तो भी कोई इतना खास नहीं, तो सारी संते हमारी साइड पे हैं, टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो टूटी फूटी सड़कें हैं हमारी सियालकोट की, तो ये यहाँ की सड़कें चेक करें आप। बावल नगर से पहले दरियाए सतलुज का पुल क्रॉस करना पड़ता है, तो जस्ट अभी हम चढ़े हैं पुल पे, ये देखें
पानी शानी खत्म हो गया हुआ है, डैम ही कोई नहीं बने पाकिस्तान में, तो पानी कहाँ से जहाँ से ये निकलते हैं। फिर हम कहते हैं जी इंडिया वाले ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उन्होंने मेहनत की हुई है। ये देखें बिल्कुल खुश है, ये देखें घास फूस उगा हुआ है, ऐसा ऐसा लोगों ने कब्जे करके यहाँ अपने घर घुर बना लेने हैं। आगे टोल प्लाजा आएगा, वो सामने आ गया टोल प्लाजा पटन बावल नगर। ये देखें ये भी टोल आ गया जी, आप यहाँ से गुजरे हैं पक्का पतन उस पे टोल क्रॉस किया उसका टोल थे। जी हम भावल नगर एंटर होने लगे हैं, जो दाई तरफ इशारा तीर का था ये बाईपास वाला रोड है, उस तरफ हम चले जाते हैं, तो हमने बाईपास करके भावल नगर को तो हरुणाबाद की तरफ चले जाना था, तो ये अब हम बाईपास नहीं किया, हमने सीधा भावल नगर जो शहर के अंदर रोड जाता है ना वहाँ जाना है, लेकिन हमने भावल नगर थोड़ा सा पीछे बाई की तरफ जाना है।